हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब हम करते हैं नया टॉपिक, दैट इज इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर एक अपने आप में बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले रैशनल नंबर समझने पड़ेंगे, टाइप समझने पड़ेंगे, उसी के बाद ही हम इरेशनल नंबर समझ सकते हैं। सो पेशेंस से इस पूरे वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा, सो दैट यू शुड अंडरस्टैंड कंप्लीटली What are irrational numbers? Irrational numbers, जैसा मैंने बताया है कि irrational numbers से पहले हमें rational numbers समझने पड़ेंगे, तो यहां पे rational numbers, rational numbers होते क्या हैं, हमें जरूरत ही क्यों पड़ती है इनकी, वो देखते हैं कि rational numbers। अच्छा, rational numbers जो हैं, जैसा हम अभी पहले थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं कि रैशनल नंबर्स आर ऑल द नंबर्स विच कैन बी शोन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि सर पी बाय क्यू में तो ये सारे, अभी मैं कुछ नंबर्स लिखूंगा, वो सारे पी बाय क्यू फॉर्म में है, क्या सारे के सारे इरेशनल हैं? तो देखते हैं 25/3, 8/2, 9/0 और 9/10, 1/0 और हम लिख सकते हैं √2/4, ओनली √3। इन्हीं नंबर से हमारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं, अगर मैं इस नंबर को सॉल्व करूं 25/3 को, तो ये आएगा मेरे पास 8/1/3। 8/1/3 का मतलब होता है 8.33 एंड सो ऑन, ये होता है 8/1/3 का मतलब। हाउएवर, ये हमारे पास एक आ गया, इसके बाद 8/2 इज इक्वल टू 4/1, ये भी बात बन गई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आएगा 9/10 इज इक्वल टू 0.9। ये मैं आपको बता रहा हूं कि पॉसिबल डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस, जैसा अब हम आगे करेंगे। 1/0, ये मैं 1/0 ही लिख देता हूं, क्योंकि मुझे पता है दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर, ठीक है। फिर बच्चे इसके बाद क्वेश्चन पूछते हैं, सर इफ दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर, इज इट एन इरेशनल नंबर? तो इसका जवाब अभी आपको थोड़ी देर में दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं √2/4। √2/4 ये किसी भी तरह से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये एज इट इज रह जाएगा, और ये √3। सो यहां पे ये कुछ अभी इंफॉर्मेशन जो बिखरी पड़ी है, इसे अब हम थोड़ा सा कलेक्ट करते हैं। यहां से हम देखते हैं कि हमारे पास दो चीजें क्लियर होती हैं, कि रैशनल हो या इरेशनल हो वो तो बात की बात है, लेकिन जो नंबर्स हैं उन्हें हम, या रैशनल नंबर्स की अगर हम बात करें, तो उन नंबर्स को हम दो तरीके से सेग्रीगेट कर सकते हैं। एक मेथड है हमारे पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ध्यान से देखिएगा, मैं एग्जाम्पल्स दूंगा और इन्हीं जो ऊपर एग्जाम्पल्स दी हैं इनकी भी बात करूंगा। तो इसके, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि दो मेथड हम बात करेंगे इनकी, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, इसमें पहला होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब ये कौन से होते हैं, देखिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी थी 25/3, तो इसे मैं लिख सकता हूं 8.333 एंड सो ऑन। ये आप देखिए कि दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, आइए देखिए, खत्म नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, दे नेवर एंड। ओके, सो ऐसी फ्रैक्शंस को क्या बोला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग
फ्रैक्शंस बोला जाता है, बट उसके बाद जहां लिखा भी है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिपीट हो रहा है। देखिए 333, तो कोई एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है एंड इट नेवर टर्मिनेट्स, सो इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये फर्स्ट हमारा इसका रूल आता है। सेकंड रूल क्या होता है, और इसके ऊपर आप जितना मर्जी देखते रहें कि जो फ्रैक्शंस, जो नॉर्मल हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, अगर या तो वो ये ऐसे आएंगी, नहीं तो फिर कैसे आएंगी वो देखते हैं। टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, अब वो कौन सी होती हैं वो देखते हैं। मान लीजिए मेरे, मैं एग्जांपल लेता हूं, 22/5, लेट्स से मैंने ये एक एग्जांपल ली है। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं, 22/5 को मैं डिवाइड करने की कोशिश करता हूं, तो मेरे पास आएगा 4.40। ये मैंने 22/5 को डिवाइड कर लिया है। अगर आप भी करेंगे इसे करके देख लीजिएगा, यही आएगा। तो आप ये देखिए कि दिस इज टर्मिनेटिंग, इसके बाद कोई डिजिट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन जो है इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेट हो गई। लेकिन अगर इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेट हो गई, इसी और कोई भी डिजिट अब रिपीट नहीं हो रहा, सो सेकेंड मेथड हमारे पास क्या बन जाता है, दीज फ्रैक्शंस आर, दीज रैशनल नंबर्स आई शुड से आर टर्मिनेटिंग बट दे आर नॉन रिपीटिंग नंबर्स। सो दो तरह के हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं, उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो नॉन टर्मिनेटिंग होती है पर रिपीट करते हैं, या फिर वो टर्मिनेट होती है पर वो नॉन रिपीटिंग होती है। ये रूल है कि जब भी कोई रैशनल नंबर टर्मिनेट होगा तो वो नॉन रिपीटिंग होगा, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीटिंग है। यहां पे चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, मैं आपको बताता हूं। यहां पे एक बात करनी जरूरी है हमारे पास कि अभी हमारी बात हुई थी कि 1/0, तो जैसा मैंने बताया था कि कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर, एज यू सेड कि अ नंबर विच कैन बी फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 इज अ रैशनल नंबर, बट यहां पे तो डिनोमिनेटर मींस q इज 0, सो इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। सो इज इट एन इरेशनल नंबर, तो मैं आपको एक बात बता दूं, एनी नंबर विच हैज अ फ्रैक्शन, सॉरी विच हैज अ डिनोमिनेटर 0 इज अ नॉन वैलिड नंबर, ओके, दैट नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। तो वो चाहे रैशनल हो इरेशनल हो हम कह ही नहीं सकते हैं, हमें सिंपली ये कहना है कि दैट नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है नंबर, ठीक है। तो ये भी बात हो गई। अब हमारे पास, हमने रैशनल नंबर दो पढ़े हैं जो उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये दो पढ़े हैं हमने। इसके अलावा अब हम पढ़ते हैं कि इसके अलावा क्या हो सकता है, और क्या वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में फॉल करेगा भी या नहीं करेगा। तो ध्यान से देखते हैं, इसके अलावा हमारे पास होता है एक तीसरी कैटेगरी आती है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये जो थर्ड कैटेगरी होती है हमारी, ये होती है इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी। आई होप आपको ये बात समझ आएगी, और इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो ये है कि लेट्स से कि अंडर रूट टू, अब देखिए इसके डिनोमिनेटर में वन है लेकिन ऊपर क्या है, ऊपर एक अंडर रूट में एक नंबर है। अगर मैं इस नंबर को सॉल्व करता हूं और वो इंटीजर में आ जाता है तो वो रैशनल नंबर है, अगर वो इंटीजर में नहीं आता है तो वो इरेशनल नंबर है, चाहे डिनोमिनेटर में क्या लगा है ये मैटर नहीं करता। इसके साथ ही मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, लेट्स से 1/√2, ठीक है। यहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0, पर अगर मैं इस नंबर को सॉल्व करूंगा
और एक इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होता है अगर ये नंबर, तो इसका मतलब ये भी नंबर इरेशनल है। देखिए हमें पता है अंडर रूट टू को अगर हम सॉल्व करते हैं, अंडर रूट टू को हम सॉल्व करते हैं तो 1.414 एंड सो ऑन। और एक बात याद रखिएगा कि दिस, आप यहां पे देखिए कि कोई भी हमारे पास पैटर्न नहीं बन रहा, इसका मतलब अंडर रूट टू 4.414 एंड सो ऑन, आप ये कभी भी ये नहीं लगा सकेंगे पता कि इस नंबर के बाद ये पर्टिकुलर नंबर ही रिपीट करेगा। यू विल नेवर बी एबल टू प्रिडिक्ट। अगर हम कभी भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी 25/3, तो 8.333, आपको पता है कि अब 333 आना है, इस नंबर में आप कभी भी पता नहीं चला सकते कि क्या आएगा। सो इरेशनल नंबर्स दे नेवर फॉर्म अ पैटर्न, आप ये देखिए, और ये कभी खत्म भी नहीं होगा। तो ये प्रॉपर इस कैटेगरी में फिट हो रहा है कि दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स बट दे आर नॉन रिपीटिंग, ये कभी खत्म भी नहीं होगा और ये रिपीट भी नहीं होगा। वेयर एज आप इसको देखिए, ये कभी खत्म नहीं होगा मैं मानता हूं, पर ये बार बार रिपीट हो ही जा रहा है। सो दिस इज अ रैशनल नंबर, एंड दिस इज एन इरेशनल नंबर। आई होप इरेशनल नंबर अभी आपको क्लियर है। अभी और भी बात करेंगे इनके बारे में कि और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, उनकी फॉर्म्स क्या हो सकती हैं। ये टॉपिक समझाना बहुत जरूरी है और बच्चों को समझ आना भी उतना ही जरूरी है। सो ध्यान से इस वीडियो को टिल द एंड जरूर देखिएगा। सो अभी हमें पता चला, ये बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, अभी हमें समझ आया है कि जो अंडर रूट में जो नंबर होते हैं अगर मैं उन्हें सॉल्व करता हूं और हमारे पास रैशनल नंबर रिजल्ट में नहीं आता है तो हम क्या कहेंगे, दैट इज नॉट अ रैशनल नंबर, दैट इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन यहां पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मैं आपको बताऊं 400/100, ठीक है। सो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, प्रॉपरली सॉल्व करना है, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 4 और उसके बाद 2, तो ये एक रैशनल नंबर आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा नंबर भी एक रैशनल नंबर है। अगर अब हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है कि 4.41, बच्चे पूछते हैं कि सर क्या ये एक रैशनल नंबर है या क्या ये एक इरेशनल नंबर है, तो मैं आपको बता दूं, या तो मैं इसे सॉल्व करूंगा। अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मैं आपको समझा देता हूं, अपॉन 100, 441, 21 का स्क्वायर होता है तो ये आ जाएगा 2। अब आप ये देखिए, ऊपर नीचे दोनों रैशनल नंबर्स हैं, ऊपर नीचे दोनों, सॉरी रैशनल नंबर कह रहा हूं, दोनों इंटीजर्स हैं। अगर ऊपर नीचे दोनों इंटीजर होंगे, मींस डिनोमिनेटर में भी इंटीजर है और न्यूमरेटर में भी इंटीजर है, देन ओनली इट बिकम्स अ रैशनल नंबर। अगर एक भी जगह हमारे पास ये इंटीजर नहीं आता है, ठीक है, यानी अनसॉल्व्ड अंडर रूट आ जाता है, जैसे मान लीजिए यहां पे अंडर रूट 3 होता या यहां पे अंडर रूट 3 होता या कुछ भी नंबर होता एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, तो ये एक इरेशनल नंबर बन जाता। सो दे आर नोन एज, दैट इज हाउ दे आर नोन एज इरेशनल नंबर्स। तो आपने इस बात पे कभी कंफ्यूज नहीं होना कि रैशनल नंबर सिर्फ p by q फॉर्म में होते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, p भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रॉपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। अगर वो इंटीजर्स नहीं है देन इट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। और वो उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में बात कर रहा हूं मैं कि वो इंटीजर्स होने चाहिए। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज गेट बैक टू मी पर्सनली, आई विल डेफिनेटली डू दैट। इसके बाद यहां पे, इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, एग्जांपल नंबर 3 है। उन्होंने बोला है कि लोकेट अंडर रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। तो जैसे मैं पहले लेक्चर में भी बोल चुका हूं कि ये एक रियल नंबर लाइन होती है, अंडर रूट जो 2 है, अंडर रूट 2, अब हमें समझ आ गया है कि एक इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और मैं अगर आप पहला वीडियो देखेंगे उसमें जो मैंने ग्राफ बनाया था तो मैंने बताया था
कि रियल नंबर्स क्या होते हैं. रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द रैशनल्स एंड इरेशनल नंबर. इसका मतलब जो अंडर रूट टू है वो भी एक रियल नंबर है, और ये क्या होती है, ये एक रियल नंबर लाइन होती है. ये बात हम पहले भी काफी डेप्थ में कर चुके हैं. हाउएवर अब उसने बोला है अंडर रूट टू को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए. इसके दो तीन मेथड होते हैं, क्योंकि अभी मैं वीडियो लेक्चर बना रहा हूं, ठीक है, यहां पे ज्योमेट्री के साथ ये करना थोड़ा सा मुश्किल है. तो मैं एक मेथड आपको करवा रहा हूं, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, उसमें कोई परेशानी नहीं है. जो दूसरा मेथड है जब हम मिलेंगे तब करवाऊंगा. यहां पे पहले समझ लेते हैं कि अंडर रूट टू को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है. ध्यान से सुनिएगा, स्टेप बाय स्टेप इसको याद रखिएगा. कोई भी नंबर हो, अंडर रूट टू हो, अंडर रूट थ्री हो, अंडर रूट फाइव हो, डिपेंड करेगा कि मैं कैसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं. देखिए, मान लीजिए कि मैं अंडर रूट टू को ही, चलिए एग्जांपल है तो इसे ले लेता हूं. अंडर रूट टू के अंदर कौन सा नंबर है, टू, ठीक है. अगर मैं थ्री बोलता तो फिर थ्री करता, फाइव होता तो फाइव करता. अभी अंडर रूट टू को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं तो अंडर रूट टू लिखूंगा. अंडर रूट टू में मैंने 2 सेंटीमीटर एक लाइन लगा दी है. मैंने 2 सेंटीमीटर एक लाइन लगा दी, ठीक है. 2 सेंटीमीटर लाइन लगाने के बाद यहां पे इसको मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया. अब मैं क्या करूंगा, कोई भी क्वेश्चन हो, ये स्टेप यूनिवर्सल है. यहां पे अब मैं 1 सेंटीमीटर और लाइन लगाऊंगा. मेरे पास स्केल वगैरह है नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको सिंपल बता रहा हूं. आप स्केल और ज्योमेट्री बॉक्स के साथ करेंगे तो आसानी हो जाएगी. अब मैंने क्या किया, 2 सेंटीमीटर एक लाइन लगाई और 1 सेंटीमीटर उसे एक और लाइन लगा दी. अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां से इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करूंगा. आई होप आपको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना आता है. हाफ से ज्यादा कंपास खोलनी है, इधर लाइन लगानी है और इधर लाइन लगानी है. हाफ से ज्यादा कंपास खोलनी है, इधर लाइन लगानी है और इधर लाइन लगानी है, और इन्हें मिला लेना है. जैसे ही ये मिलेंगे, जैसे ही ये मिलते हैं, यहां से लेके यहां तक हम एक सेमी सर्कल बना लेंगे. इतनी कंपास खोलेंगे, ठीक है, कंपास की नीडल यहां पे रखेंगे, पेंसिल यहां पे रखेंगे और यहां पे एक सेमी सर्कल बन गया. अब कई स्कूल वाले बोलते हैं कि यहां पे भी कंपास की जरूरत है, कई बोलते हैं प्रोटेक्टर से करना है. तो जैसे भी आपके स्कूल वाले बोलेंगे, ये जो पॉइंट है जहां पे 2 सेंटीमीटर आके खत्म हुई थी, यहां पे आपको, अगर आप प्रोटेक्टर से बनाते हो या कंपास से बनाते हो, यहां पे आपको एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है. समझ गए, यहां पे आपको क्या करना है, एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है. ये आपने 90 डिग्री का एंगल बना दिया. अब इस लाइन को आप एक्सटेंड कर लेंगे स्केल से. इस लाइन को क्या करेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे. जैसे ही आप इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं, यहां से एक ऐसे कंपास से, यहां से लेके यहां तक एक कंपास खोलनी है, यहां से लेके यहां तक कंपास खोलनी है, यहां पे कंपास की नीडल, यहां पे पेंसिल, और ऐसे करके बनाना है. ये जितना पार्ट है यहां और ये जितना पार्ट है, ये अंडर रूट टू होगा ऑटोमेटिकली. दिस इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन. अगर मान लीजिए कि अंडर रूट थ्री होता, या लेट्स से अंडर रूट फाइव की बात करते हैं, स्टेप्स वही रहेंगे. मैं एक लाइन खींचता, ये देखिए, मैं एक लाइन खींचता 5 सेंटीमीटर की, फिर मैं यहां पे इसके एंड्स को ब्लॉक करता, फिर मैं 1 सेंटीमीटर की और लाइन खींचता, 1 सेंटीमीटर की और लाइन खींचता, फिर मैं परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता इनको. ऐसे करके मैंने परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर लिया है, फिर मैं इसको मिलाता, फिर मैं पेंसिल अपना कंपास की नीडल यहां रखता, पेंसिल यहां पे रखता, एक मैं सेमी सर्कल बनाता, ठीक है, एक सेमी सर्कल बनता, फिर मैं 90 डिग्री का एंगल यहां से खींचता और मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता, फिर मैं यहां से इसको मिला लेता, और ये यहां से लेके यहां तक ये जो बनता, ये मेरे पास क्या होता, अंडर रूट फाइव. तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन. आप इसे कीजिए. अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है, मुझसे जरूर पूछिए. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.